by Cuckoo FM. Download the app now. बचपन की कहानियों में राजकुमारियों की लव स्टोरी सुना करते थे। बला की हसीन राजकुमारियां, जिन्हें देखते ही कोई राजा उन पर लट्टू हो जाता था। एक प्रेम कहानी चल पड़ती थी। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही लव स्टोरी से शुरू होगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान तालिबान युद्ध से रूस का लिंक, क्यों तालिबान को मिल रही जीत के चलते रूस ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, वो भी अपने यहाँ नहीं बल्कि एक पड़ोसी देश में। क्या है मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ याद दिलाना है। हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं कुकू FM ऐप। इस ऐप पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, मतलब अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो यहाँ आपको बोलती हुई किताबें मिल जाएंगी। आत्मकथाओं, उपन्यासों से लेकर जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, कई तरह की ऑडियो बुक्स हैं यहाँ। इन्हें सुनने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ललन टॉप के दर्शक LT20, ललन टॉप LT, समझ गए होंगे आप, LT20 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन में 20% तक की छूट पा सकते हैं। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आ जाते हैं अपने मूल विषय पर। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है ईसा पूर्व 327 की। इन दिनों सिकंदर एशिया जीतने के अभियान पर निकला हुआ था। इस अभियान के दौरान उसने कई युद्ध लड़े। इनमें से एक युद्ध ऐसा भी है जिसे सिकंदर की लव स्टोरी के लिए याद किया जाता है। दिलचस्प ये था कि ये प्रेम कहानी युद्ध के पेट से पैदा हुई। हुआ ये कि सिकंदर ने एक किले को जीता, वहां मौजूद सारे लोग बंदी बना लिए गए। इन बंदियों की सिकंदर के आगे परेड निकाली गई। इसी परेड के दौरान सिकंदर की नजर पड़ी एक बला की हसीन लड़की पर। सिकंदर को पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई। उस लड़की का नाम था रुखसाना। पता चला कि जिस स्थानीय गवर्नर को हराकर सिकंदर ने वो किला जीता है, उसी गवर्नर की बेटी है रुखसाना। 28 साल के सिकंदर ने 16 बरस की रुखसाना से शादी कर ली। कई इतिहासकार कहते हैं कि रुखसाना के बाद सिकंदर ने फिर कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। उसने अपने जीते जी रुखसाना को कभी खुद से दूर नहीं किया। यहां तक कि जब वो भारत पर हमला करने आया तब भी रुखसाना उसके साथ थी। कहां की राजकुमारी थी रुखसाना? उसके वतन का नाम था बैक्ट्रिया। ये प्राचीन मध्य एशिया का एक भूभाग था। ये जगह तीन पहाड़ों के बीच में थी। ये तीन पहाड़ थे हिंदू कुश, पामीर और टियनशान। आधुनिक सेंट्रल एशिया का मैप देखें तो आज जहां अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बसे हैं, वहीं बसा था बैक्ट्रिया। मगर हमने जिस युद्ध में पनपी लव स्टोरी का जिक्र किया, वो इलाका कहां पड़ता है? वो पड़ता है तजिकिस्तान में। इसी देश के पश्चिमी हिस्से से गुजरते हुए सिकंदर ने वो युद्ध किया था जिसका हासिल थी रुखसाना। यहीं तजाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने भारत जाने का रास्ता खोजा था। ताजिकिस्तान के इतिहास पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको मैप पर इसकी लोकेशन बता देते हैं। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में है उज़्बेकिस्तान, इसके उत्तर में है किर्गिस्तान और पूरब में है चाइना। ताजिकिस्तान का कुछ हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान के पास भी पड़ता है। भारत के इस हिस्से पर फिलहाल पाकिस्तान का कब्जा है। ये तो हुई मानचित्र पर ताजिकिस्तान की स्थिति। अब चलते हैं इसके इतिहास पर। ताजिकिस्तान का इतिहास समझिए कि आक्रमणों का इतिहास है। हमने आपको सिकंदर के हमले के बारे में बताया था। उस समय यह इलाका पर्शियन एम्पायर का अंग था। इसी पर्शियन प्रभाव के चलते 8वीं सदी के आसपास ताजिकिस्तान और इसके आसपास के इलाकों में एक खास एथनिक ग्रुप का उदय हुआ। इन्हें कहा जाता है ताजिक। ताजिक समुदाय की बसाहट मुख्य रूप से तीन देशों में है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। चूंकि ताजिकिस्तान में बहुसंख्यक आबादी इसी ग्रुप की है, इसलिए इन्हीं के नाम पर देश का नाम भी पड़ गया ताजिकिस्तान, माने वो भूभाग जहां ताजिक रहते हैं। अब फिर वापस आते हैं आक्रमणों के इतिहास पर। पर्शियन एम्पायर के बाद 8वीं सदी में आक्रमणकारियों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया। उन्होंने ये इलाका जीत लिया। इन्हीं अरब आक्रांताओं के मार्फत यहां की आबादी का इस्लाम से परिचय हुआ। आगे चलकर 13वीं सदी में आया मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। उसने ताजिकिस्तान समेत पूरे मध्य एशिया को जीत लिया। यह हिस्सा अब मंगोल साम्राज्य का अंग बन गया। 14वीं सदी में उभार हुआ तैमूर का। वो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के क्रम में तैमूर ने ताजिकिस्तान को भी जीत लिया। आगे चलकर 19वीं सदी में रूस के जार ने इस हिस्से को अपने अधीन कर लिया। 1860 से सन 1900 तक इस देश के दो हिस्से रहे। देश का उत्तरी हिस्सा रूस के अधीन था और दक्षिणी हिस्सा अमीरात ऑफ बुखारा के अधीन था।
1917 में रूस के भीतर बोल्शेविक क्रांति हुई, राजशाही की जगह ले ली कम्युनिस्ट शासन ने, मगर इस नई सत्ता ने पूर्ववर्ती राजशाही द्वारा अधीन बनाए गए मध्य एशिया के हिस्सों को नहीं छोड़ा। इन इलाकों को अपने साथ मिलाए रखने के लिए रूस ने गठन किया तुर्किस्तान ऑटोनॉमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें उत्तरी ताजिकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तरी तुर्कमेनिस्तान और दक्षिणी कजाकिस्तान के हिस्से शामिल थे। 1922 में सोवियत संघ के आधिकारिक गठन के बाद यह इलाका सोवियत का अंग बन गया। इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होते रहे। मसलन 1924 में सोवियत ने तुर्किस्तान ऑटोनॉमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर और बंटवारा किया। इस बंटवारे के बाद ताजिकिस्तान को एक अलग स्वायत्त हिस्सा बना दिया गया। इसका नाम रखा गया ताजिक ASSR। इस शब्द में ASSR का मतलब है ऑटोनॉमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सिस्टम में ASSR एक छोटी यूनिट थी, इसके ऊपर हुआ करते थे SSR यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1929 में ताजिक ASSR को प्रमोट करके SSR का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद से 1991 में सोवियत के विघटन तक ताजिकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा रहा। 1990 में जब सोवियत के विघटन की राह स्पष्ट होने लगी तब ताजिक SSR में भी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन शुरू हुआ। 1991 में ताजिक SSR की लेजिस्लेटिव बॉडी सुप्रीम सोवियत ने सोवियत संघ से अलग होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा आज से हम आजाद देश हैं। इसी साल देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए, इसमें 57% वोट पाकर राष्ट्रपति बने रहमान नबीयेव। जनता के एक बड़े धड़े का मानना था कि उनका देश सोवियत से भले आजाद हो गया हो मगर यहाँ लोकतंत्र नहीं आया है। उनका कहना था कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। इसी असंतोष के चलते देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसमें तीन पार्टियां थी, एक सरकार, दूसरी इस्लामिक विद्रोही, तीसरी लोकतंत्र समर्थक जनता। पब्लिक के दबाव में राष्ट्रपति रहमान नबीयेव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देश की कमान संभाली इमोमाली रहमानोव ने। रहमानोव ने आते ही तानाशाही लाद दी, सारी विपक्षी पार्टियों को बैन करवा दिया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया। एक तरफ सरकार की ज्यादतियां, दूसरी तरफ सिविल वॉर। 1992 से 1997 के बीच चले इस गृह युद्ध में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। काफी मारकाट के बाद 1996 में यूएन की पहल पर सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम हुआ। क्या इस समझौते के बाद ताजिकिस्तान की घरेलू राजनीति में कुछ बेहतरी आई है? जवाब है नहीं। ताजिकिस्तान कागजी तौर पर लोकतांत्रिक देश है मगर यहाँ लोकतंत्र केवल नाम के लिए है। 1992 से अब तक इमोमाली रहमानोव ही सत्ता में बने हुए हैं। उनके राज में ताजिकिस्तान किसी वन पार्टी सिस्टम की तरह ही फंक्शन कर रहा है। रहमानोव की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ एक छत्र राज है। अब सवाल उठता है कि हम ये सारा इतिहास आपको आज क्यों सुना रहे हैं? इसकी वजह है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहा युद्ध। इस युद्ध से ताजिकिस्तान का क्या ताल्लुक है? ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है। उसकी करीब 1300 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा जुड़ती है अफगानिस्तान से। अब जानते हैं कि अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही है। तालिबान बहुत तेजी से इलाके जीत रहा है। अभी तक उसे सबसे ज्यादा सफलता मिली है देश के उत्तरी हिस्से में। ये वही हिस्सा है जहां ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी है। अनुमान के मुताबिक ताजिक अफगान बॉर्डर के करीब 70% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण हो गया है। ऐसे में ताजिकिस्तान को अपनी सरहद सुरक्षित करने की चिंता सता रही है। अब यहां एक मुश्किल है, ताजिकिस्तान की सैन्य ताकत बहुत कमजोर है। वो सैन्य शक्ति में इतना मजबूत नहीं कि सरहद पार से आने वाली किसी चुनौती या आक्रामकता का जवाब खुद दे सके। ऐसे में ताजिकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए किसी और देश की मदद लेनी पड़ रही है। किससे सहायता ले रहा है ताजिकिस्तान? वो हेल्प ले रहा है रूस से। 5 जुलाई को क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया। इसमें जिक्र था एक टेलीफोन कॉल का। ये फोन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किया था। ताजिक प्रेसिडेंट ने पुतिन से कहा कि वो तालिबान के विस्तार से चिंतित हैं। जवाब में पुतिन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो ताजिकिस्तान की पूरी मदद करेंगे। रूस द्वारा दिए गए इस वादे की एक बड़ी वजह है मिलिट्री बेस। ताजिकिस्तान के भीतर रूस का एक बड़ा मिलिट्री बेस है। इस बेस की आधिकारिक शुरुआत हुई थी 2004 में। इसके खुलने की वजह भी अफगानिस्तान से जुड़ी है। कैसे? 2001 में ताजिकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। उस समय ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान से भाग कर आ रहे आतंकियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों को अपनी सीमा में घुसने से रोकना। ताजिकिस्तान की अपनी सेना इस काम में सक्षम नहीं थी, इसलिए ताजिकिस्तान ने सोवियत के अपने पूर्व सहयोगी रूस से मदद मांगी।
ताजिकिस्तान की मदद करने में रूस का भी फायदा था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश रूस के लिए बफर जोन का काम करते हैं। इन इलाकों के सुरक्षित रहने में रूस का फायदा है। अगर ताजिकिस्तान का बॉर्डर सुरक्षित नहीं होता तो रूस को कई किस्म की दिक्कतें आती। मसलन अफगानिस्तान से स्मगल होने वाली हीरोइन ताजिकिस्तान होते हुए रूस पहुंचती। अफगानिस्तान से भाग रहे इस्लामिक कट्टरपंथी भी वाया ताजिकिस्तान रूस में एंट्री कर सकते थे। ऐसी ही आशंकाओं को ध्यान में रखकर रूस ने ताजिकिस्तान को मदद लेने का फैसला दिया। दोनों देशों की इसी म्यूचुअल इंटरेस्ट के चलते रूस को ताजिकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस खोलने की इजाजत मिली। इसमें ताजिकिस्तान का हित ये था कि चाहे घरेलू मोर्चे पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रूसी बेस होने के चलते ताजिकिस्तान को हर हाल में सुरक्षा मिलने की गारंटी थी। वहीं रूस यहां बेस बनाकर सेंट्रल एशिया पर वापस प्रभुत्व कायम करने की महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता था। ऐसा नहीं कि रूसी सेना पहली बार ताजिकिस्तान पहुंची हो। आपको 1992 से 1997 तक चला गृह युद्ध याद है। उस समय भी ताजिकिस्तान की सरकार अकेले बागियों से लड़ पाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने तब भी रूस से ही मदद मांगी थी। रूस ने ताजिकिस्तान गवर्नमेंट की मदद के लिए अपनी 201वीं डिवीजन को यहां भेजा। उस डिवीजन ने राजधानी दुशानबे के बाहरी हिस्से में अपना मुख्यालय बनाया। इसी लोकेशन पर आगे चलकर 2004 में रूस ने अपना मिलिट्री बेस बनाया। इस बेस की शुरुआत के बाद से ही ताजिकिस्तान डिफेंस से जुड़ी अपनी हर जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। उसके मिलिट्री अधिकारी रूस की सैन्य अकादमियों में पढ़ने जाते हैं। रूस ही ताजिकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण देता है। ताजिक सेना के पास जितने हथियार हैं सब रशिया के दिए हुए हैं। यहाँ तक कि ताजिक सेना का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी रूसी सेना की ही तर्ज पर है। ताजिकिस्तान इतना ज्यादा निर्भर है रूस पर कि कई जानकार ताजिक मिलिट्री को रूसी सेना का एक छोटा सा आउटपोस्ट कहते हैं। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान में बदल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर भी ताजिकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा रूस को ही मिला है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लीजिए। पहली सुर्खी हेती से है। इसके राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की अपने ही घर में हत्या कर दी गई। इस वारदात की जानकारी देश के आंतरिक प्रधानमंत्री क्लोडे जोसेफ ने दी। उन्होंने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात हथियारबंद लोग राष्ट्रपति के घर में घुस आए। उन्होंने गोली मारकर राष्ट्रपति की हत्या कर दी। इस घटना में राष्ट्रपति की पत्नी मार्टिने मोइस भी घायल हुई है। राष्ट्रपति मोइस 53 साल के थे। वो फरवरी 2017 से पद पर थे। मोइस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके खिलाफ देश में कई बार हिंसक प्रदर्शन भी हुए। राष्ट्रपति मोइस का कार्यकाल फरवरी 2021 में ही खत्म होना था, मगर वो पद छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडो पैसिफिक अफेयर्स के संयोजक हैं कर्ट कैम्बल। उन्होंने ताइवान पर एक बयान दिया है। कैम्बल ने बताया कि बीते दिनों अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान के साथ कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैम्बल के इस बयान से एक दिन पहले जापान के डिप्टी प्रधानमंत्री तारो असो की भी टिप्पणी आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने हमला किया तो जापान और अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान की रक्षा करेंगे। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।